अगर यूपी के लोगों को यूपी से सफल होना है तो कोशिश करनी है कि बाहर के जितने लोग आते हैं, मान लीजिए यूपी है अपना, ठीक है, कोशिश करनी है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग कौन आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, मान लो पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, ठीक है, एमपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, और ये कौन लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, यूपीएससी के असफल लोग, यूपीएससी के असफल लोग, असफल होते तो भाई वो यूपीएससी का एग्जाम ही क्रैक करके नौकरी कर रहे होते ना, पीसीएस में क्यों आते हैं। तो यूपीएससी के असफल लोग देखते हैं जब कि पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, यूपीएससी का यूपीएससी का जैसा है, तो उनके लिए ना केक वॉक होता है, केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान हो जाता है, उन्हें पेपर दिया यूपीएससी का, वहां पर जो होना होगा और आपका चला गया, मतलब आगे इधर आ गए पीसीएस में आ गए, यूपीएससी में आ गए, वहां का एग्जाम दे, जो यहां पर तैयारी की है वो यहां पर फायदा मिल जाता है और वो सफल हो जाते हैं। अब यही कारण है कि आपका 2018-2020 इसकी जो टॉपर रहे हैं वो यूपी के ना होके बाहर के हैं, कोई पंजाब का है, कभी एक पंजाब की बनी, एक हरियाणा की बन गए, मतलब आपका टॉपर ही जो है वो आपके स्टेट का नहीं है, ठीक है, टॉपर भी है, मतलब आप समझेंगे क्या बात कहां जा रही है, कि आपका टॉपर ही आपके स्टेट का नहीं है, इसका मतलब है कि बाहर के कितने सारे लोग जो हैं वो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। 3-4 साल पहले यूपी पीसीएस का, 18 से पहले यूपी पीसीएस में मात्र 5 लाख लोग फॉर्म भरते थे, कितने लोग भरते थे, मात्र 5 लाख लोग, आज भरते 7 लाख लोग, या ये 2 लाख लोग कहां से आ गए, ये एक्स्ट्रा 2 लाख कौन है, ये एक्स्ट्रा 2 लाख कहां से आ गए, इतने तो बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे आजकल तो, ठीक है, कहां से आ गए, ये वो लोग हैं जो बाहर के स्टेट से आए, ये बाहर के स्टेट के लोग भर रहे हैं, समझिए बात को, आप समझो अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस समझो, ऐसे एग्जाम नहीं क्रैक होता। तो ये लोग वो है जिनके लिए पैटर्न एक जैसा है, तो बहुत इजी पड़ता है यूपीएससी एग्जाम देकर यूपीएससी की तरफ आ जाना, चलिए तो अभी बात समझ में आती है।